चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है एल्कोहल के अंतर्गत एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का अंतर्राष्ट्रीय नाम एथेनॉल होता है। तो आइए हम लोग आज एथिल एल्कोहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें कि एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणु भार क्या होता है, युक्ति सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, इसमें प्रसंकरण कितना होता है, इसमें बंधन कौन सा बनता है और इसमें बनाने की विधि क्या है। तो आइए देखिए एक नज़र श्वेत पट पे। लिखा है प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल का बनना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अणु सूत्र, इसका हम अणु सूत्र लिख देते हैं। इसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। यह एल्कील है, C2H5 एल्कील है और OH हाइड्रोक्सिल समूह है। ये आपस में मिल करके एथनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल बनता है। इसका अब हम युक्ति सूत्र लिखते हैं। युक्ति सूत्र का मतलब होता है संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप। तो आइए युक्ति सूत्र लिखते हैं इसका, CH3.CH2.OH यानी हाइड्रोक्सिल। अब इसका हम लोग अणु भार निकाल लें। तो आइए देखिए यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 5 है और यहाँ एक 6 है और ऑक्सीजन है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे अणु भार के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 12 × 2 यानी कि कार्बन के परमाणु भार 12 और 2 से गुणा कर देंगे और प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस 1 हाइड्रोजन का लिखेंगे। अब आइए जोड़िए, 12 में 2 से गुणा करने पर 24, 1 में 5 से गुणा करने पर 5 और 16 और प्लस 1। इस तरह से 24 और 5 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 में 16 जोड़ देंगे 45 होगा और 1 46। यानी कि एथनॉल का एटॉमिक वेट 46 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब इसका संरचना सूत्र देखिए। अब इस युक्ति सूत्र के आधार पर हम संरचना सूत्र कर देते हैं। इसमें कार्बन परमाणु 2 है, यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है और यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है और यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह। अब आइए यहाँ पे प्रसंकरण। तो प्रसंकरण इसका होता है sp3 प्रसंकरण। तीन तरह के बंधन होते हैं, कौन कौन से, तो एकल, द्विक और त्रिक। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें प्रसंकरण sp3 होता है, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होता है उसमें sp2 होता है और जिसमें सिंगल और ट्रिपल होता है उसमें sp प्रसंकरण होता है। तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें प्रसंकरण इसका sp3 होगा। इसका बंधन जो बनता है ये सिग्मा बंधन बनता है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो लंबाई है वह 142 PM बराबर होता है। अब हम लोग बनाने की विधि देखें, प्रिपरेशन। प्रयोगशाला में हम लोग एथिल एल्कोहल कैसे बनाएं, तो एथिल ब्रोमाइड, यह क्या है, एल्कील हैलाइड है। एथिल एल्कोहल का जल अपघटन जलीय कास्टिक पोटास या आर्द्र सिल्वर ऑक्साइड द्वारा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड द्वारा, यहाँ पे देखिए ऑक्साइड हो गया है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड द्वारा करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। अब इसको आपस में प्रतिक्रिया कराने से ये एथेनॉल और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन और सिल्वर मिलकर के सिल्वर ब्रोमाइड बना और ये हाइड्रोक्सिल और एल्कील मिलकर के ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया और ये जो बना ब्रोमाइड और सिल्वर मिलकर के सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ क्या चीज है, तो एथिल ब्रोमाइड यह क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड
और ये क्या है, एथेनॉल का सूत्र है, यही एथेनॉल एथिल एल्कोहल कहलाता है, और क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऐसे तो एथेनॉल बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, सुक्रोज से भी बनाया जा सकता है, सुक्रोज में पानी मिलाने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है, और फिर उसका हम गर्म कर देते हैं, उसको किण्वन कर देते हैं तो उसे एथेनॉल बन जाता है। पर ये आसान सा तरीका है कि प्रयोगशाला में बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का जल अपघटन करके उसके साथ कास्टिक पोटास या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रित करके एथिल एल्कोहल बना लिया जाता है। तो आइए अब चलिए इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, तो आइए भौतिक गुण। हम लोग एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो एथिल एल्कोहल एक विशेष प्रकार के वाष्पशील द्रव होता है जो ज्वलनशील भी होता है, यह जल में विलेय भी होता है, इसमें मीठी गंध होती है और इसे थोड़ी मात्रा भी पी लेने पर मादकता छा जाता है, और ये ज्वलनशील है, इसे हम जला करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, धातुओं से भी अभिक्रिया करता है। तो आइए देखिए इसका भौतिक गुण। सबसे पहले एक नंबर में इसमें मीठी गंध होती है, फलों जैसी मीठी गंध होती है। दूसरा, यह जल में विलेय होता है। तीसरा, एथिल एल्कोहल रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। और चौथा, इसे थोड़ी मात्रा में भी पीने पर भी मादकता यानी कि मदहोशी छा जाता है। अब रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। चूंकि एथिल एल्कोहल वाष्पशील द्रव है और ये ज्वलनशील है, जलाने पर आसानी से नीली लौ के साथ जलता है। दहन यानी कि कॉम्ब्यूशन, यह ज्वलनशील होता है, इसीलिए यह हवा या ऑक्सीजन में नीली लौ के साथ, नीली यानी ब्लू फ्लेम के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल बनाता है। तो आइए देखिए इसका रिएक्शन। ये एथेनॉल है, एथेनॉल को हम वायु की उपस्थिति में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो जल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट यानी कि ऊष्मा प्राप्त होता है। तो ये रहा पहला रासायनिक गुण। अब दूसरा रासायनिक गुण क्या है, तो धातु से अभिक्रिया, और धातु में यहाँ पे लिया गया है सोडियम। सोडियम धातु एक मुलायम धातु है, इसे हम आसानी से किसी भी वस्तु से काट सकते हैं। ये वर्ग एक के तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और विद्युत के धनात्मक है। तो आइए देखिए, यह सोडियम धातु के साथ जल करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तथा सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल दो अणु है और सोडियम भी दो अणु के बराबर, दो अणु है यानी दो परमाणु है ये। अब एथेनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस प्रकार से एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण बतलाया। अब इसका क्या उपयोग होता है, तो आपको मैं उपयोग बता दूं, और प्रत्येक दिन की भांति जो 5 प्रश्न देता हूं तो 5 प्रश्न भी दूंगा। तो आइए चलिए उपयोग, और उसके बाद अब आप बताएं एथेनॉल के उपयोग। तो एथेनॉल का उपयोग प्रमुख रूप से शराब बनाने में, विस्की, रम, ब्रांडी, बियर आदि बनाने में किया जाता है। इससे रंग बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं, इसे खांसी के सिरप भी बनाए जाते हैं, और प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक भी बनाए जाते हैं। तो ये रहा इसके उपयोग। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शराब बनाने में, पौष्टिक औषधियों के निर्माण में, रंग उद्योग तथा साबुन बनाने में, और चौथा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में। अब आगे हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आप लोगों को 5 प्रश्न देता हूं, तो
आइए पहला प्रश्न है एथेनॉल का अणु भार बताएं, इसका एटॉमिक वेट बतलाना है। दूसरा है एथेनॉल का युक्ति सूत्र लिखें। तीसरा है एथेनॉल के संरचना किस प्रकार के प्रसंस्करण होता है, यानी कि एथेनॉल के संरचना में किस प्रकार का प्रसंस्करण होता है। चौथा प्रश्न है एथेनॉल के दो प्रमुख उपयोग लिखें और पांचवा प्रश्न है एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण लिखें। तो इस तरह से पांच प्रश्न दिया आप लोगों को, पांच प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, मन क्रम वचन से पढ़ेंगे, तन मन से पढ़ेंगे। तो बस आज इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।